हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है जिम्स मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में खुल चुके हैं एंड इस पैंडेमिक के दौरान जिम सेफ्टी के बारे में मैंने पहले भी एक डिटेल वीडियो बनाया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जरूर उसको एक बार देखिए। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पैंडेमिक के दौरान किस किस को जिम अवॉइड करके घर पर एक्सरसाइज करना बेटर रहेगा। वैसे तो अवॉइडिंग जिम आपको कोई फुल प्रूफ प्रोटेक्शन तो नहीं देगा कोरोना इन्फेक्शन के अगेंस्ट, क्योंकि इन्फेक्शन तो कहीं से भी हो सकता है। बट फॉर दी हाई रिस्क ग्रुप इट इज बेटर टू वर्कआउट एट होम एंड अवॉइड जिम फॉर द टाइम बीइंग। सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि अगर आपको फीवर, कोल्ड, कॉफ, सोर थ्रोट, हेडेक ऐसे सिम्टम्स है तो फिर आपको डेफिनेटली जिम अवॉइड करना चाहिए। ये ना सिर्फ आपके सेफ्टी के लिए बट आल्सो बाकी जो जिम आने वाले मेंबर्स हैं उनके सेफ्टी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जब आप एक्सरसाइज करते हो आपका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाता है, जो ऑलरेडी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से ऑलरेडी रेज्ड है। एंड एक्सरसाइज के दौरान आपके बॉडी में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स रिलीज होंगे जो ऑलरेडी इन्फेक्शन की वजह से हाई है, एंड दिस केमिकल्स कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू यू। There is something called as Mehram's rule of thumb for exercising when you're sick. What it says is do what you can, but if you can't do it, then don't do it. And वैसे भी fever के presence में हम कोई heavy activity तो नहीं कर पाते हैं, but more important than all of that is the risk of spread of infection to others, जो आपको definitely avoid करना चाहिए। इसी बात को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे तो वी कैन से दैट अगर आपके घर के कोई भी मेंबर कंफर्म्ड कोविड पॉजिटिव हो या फिर फ्लू लाइक इलनेस से सफर कर रहा हो तो भी आपको जिम अवॉइड करना चाहिए। दिस इज बिकॉज एज वी नो मोस्ट ऑफ द कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट्स आर एसिम्प्टोमेटिक, एंड अगर आपके घर का कोई भी मेंबर पॉजिटिव है तो हो सकता है कि आप भी कोविड पॉजिटिव हो। एंड टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू अदर जिम मेंबर्स आपको डेफिनेटली जिम अवॉइड करना चाहिए, एंड दिस शुड बी डन एज अ कर्टेसी टू द फेलो जिम मेंबर्स। प्रीवियसली हम बहुत सारे एल्डरली फिटनेस एंथुसियास्ट को जिम में वर्कआउट करते हुए देखते थे, बट इस पैंडेमिक के दौरान एल्डरली लोग जो अराउंड 60 या उसके ऊपर के हो उनको जिम अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। बिकॉज द कॉम्प्लिकेशन रेट्स बिकॉज ऑफ कोविड इज वेरी हाई इन एल्डरली पेशेंट्स कंपेयर टू द यंगर पेशेंट्स, सो डेफिनेटली इट इज नॉट वर्थ टेकिंग दैट रिस्क, एंड उनको अपना वर्कआउट जो है घर के प्रिमाइसिस में ही करना बेटर रहेगा। डायबिटिक्स या फिर उन पेशेंट्स जिनको इम्यूनिटी की कमी हो, जैसे कि कीमोथेरेपी रेसिपियंट्स या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेसिपियंट्स जिनको इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स मिल रहा हो या फिर HIV इन्फेक्टेड पेशेंट्स, इन पेशेंट्स को भी जिम अवॉइड करना बेटर रहेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इम्यूनिटी रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन जो है वो बहुत हाई है अगर इन केस इफ दे गेट इन्फेक्टेड विद कोरोना। हालांकि ये बात तो सही है कि डायबिटिक पेशेंट्स को एक्सरसाइज की सख्त जरूरत है, बट फॉर द टाइम बीइंग इट इज बेटर कि वो अपना एक्सरसाइज, रनिंग, वॉकिंग जो भी हो घर के प्रिमाइसिस के अंदर ही करे तो बेटर रहेगा। प्रेग्नेंट लेडीज, प्रीवियसली हम ये देखते थे कि बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडीज यूज टू हिट द जिम टू अचीव देयर फिटनेस गोल्स, बट इस पैंडेमिक के दौरान आई वुड से कि उनको जिम अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। हालांकि ऐसा कोई कंफर्म्ड केसेस तो नहीं है जहां पे फीटस मतलब बच्चे को जो है कोविड के वजह से कॉम्प्लिकेशन हुआ हो, बट स्टिल देर आर केस रिपोर्ट्स ऑफ ट्रांसप्लेसेंटल स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। इसका मतलब ये कि अगर प्रेग्नेंट लेडी इन्फेक्टेड है तो देर आर केसेस की फीटस भी इन्फेक्टेड हुए हैं, तो इट इज डेफिनेटली नॉट वर्थ टेकिंग दैट रिस्क, एंड प्रेग्नेंट लेडीज को जो है अपना वर्कआउट घर के प्रिमाइसिस के अंदर ही करना बेटर रहेगा। एक और पॉइंट जो मोर ऑफ माई ओपिनियन है वो है कि पहले अगर हमारे पास थोड़ा सा कम टाइम होता था, जैसे कि हाफ एन आवर या 45 मिनट्स हो, तब भी हम ये सोचते थे कि चलो कोई बात नहीं हम जिम जाते हैं और कोई छोटा सा मसल ग्रुप वर्कआउट करते हैं, बट आजकल कोविड के वजह से जो जिम वर्कआउट ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। दैट इज बिकॉज हमें सैनिटाइजेशन एंड सेफ्टी के बारे में भी कंसिडर करना है, तो इस पैंडेमिक के दौरान इट इज बेटर कि आप जिम तभी जाए जब आपके पास वर्कआउट करने के लिए एडिक्वेट टाइम हो। अगर आपके पास लेस टाइम हो तो इट इज पॉसिबल कि आप अपना सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, सो इट इज डेफिनेटली नॉट एडवाइज्ड। गो टू जिम ओनली व्हेन यू हैव सफिशिएंट टाइम टू टेक केयर ऑफ योर वर्कआउट एज वेल एज सेफ्टी। तो ये थे कुछ कुछ पॉइंट्स एंड कुछ कुछ कैटेगरी के लोग जिनको इस पैंडेमिक के दौरान जिम अवॉइड करना बेटर रहेगा।
अगर आपके पास और कोई सजेशन है या और कोई पॉइंट्स है तो डू ऑल्सो लेट मी नो बाई कमेंटिंग बिलो. इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. And for more health and wellness related videos, subscribe to this channel. Thank you for watching.